आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पक्का हंसी आ रही होगी, है ना? मुझे भी आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका उल्टा ही है, लोग गांव से शहरों में जाते हैं, शहरों से विदेशों में जाते हैं, और मैं यहाँ पर विदेश से शहर और शहर से गांव में आई हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले गाँव में थी, गाँव से फिर शहर में गई, शहर से विदेश गई, और उसके बाद दोबारा से अब मैं गाँव में आ गई हूँ। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करने में आज बहुत देरी हो गई, शाम के 5 बज रहे हैं, यू नो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया हैं। तो इस वीडियो को अगर आप बिल्कुल एंड तक देखोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मेरी हिस्ट्री, मेरा बैकग्राउंड, मेरी स्टोरी सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं और मेरी रिसेंट वीडियोस देख करके बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर है क्या, चल क्या रहा है। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और आपके सारे डॉट्स कनेक्ट करके दूंगी, आपको पूरा A to Z बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि मेरे गांव से जहां पर मैं इस वक्त हूँ। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे गांव में तो इतना बड़ा घर है, तो मैंने फिर जीरकपुर में फ्लैट क्यों खरीदा, चंडीगढ़ में फ्लैट क्यों खरीदा अपनी मम्मी के लिए, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो घर है ये मेरा नहीं, ये मेरे नाना नानी जी का घर है, उनकी अमानत है, उनकी मेहनत है, उनकी प्रॉपर्टी है। और रही बात मेरे पापा की, जो लोग मेरे पापा के बारे में पूछते रहते हैं या उनकी फैमिली के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं सिर्फ 4 साल की थी तब मेरे मम्मा पापा अलग हो गए थे, एंड उसके बाद से उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं रहा। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो आज इस दुनिया में है भी या फिर नहीं, अगर है तो उनकी दूसरी शादी हो गई है या फिर वो कहाँ पे हैं, कोई भी आइडिया नहीं है और कोई लिंक नहीं है उनके साथ। तो ऐसे में मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी को किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़े या किसी और पे वो डिपेंडेंट रहे, और मैं चाहती थी वो इंडिपेंडेंट रहे, उनके सर पे छत हो, क्योंकि हम लोग 20 या फिर 20 साल से भी ज़्यादा जो है हम लोग रेंट के मकानों पे रहे हैं चंडीगढ़ में और बहुत गरीबों वाली ज़िंदगी देखी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो समय जो है मेरी मम्मी पूरी ज़िंदगी भर देखे, इसलिए मैंने अपनी मम्मी के लिए फ्लैट जीरकपुर में ख़रीदा, क्योंकि मेरी मम्मी की उस वक्त जॉब भी वहीं पर थी और मेरी स्टडीज़ भी वहीं से हो रही थी चंडीगढ़ से। तो ये रीज़न था। अब मैंने फ्लैट जो ख़रीदा, ऑब्वियसली होम लोन लेकर के ख़रीदा, राइट? तो मैं अगर इंडिया में जॉब करती तो इंडिया की सैलरी से तो कभी भी वो होम लोन नहीं पे कर पाती, मुझे 30 साल लग जाते पे करने के लिए। तो मैंने ऐसे में क्या किया, मैंने ऐसे में अफ्रीका चली गई और वहाँ पर डायरेक्ट जॉब करी मैंने, जिसकी वजह से क्या था, मेरा 7-8 महीने में मेरा लोन जो है वो पूरा ख़त्म हो गया। तो मेरा मेन मोटिव वहाँ पर जाने का सिर्फ और सिर्फ होम लोन पे करना था। तो ऐसे में क्योंकि मेरा 7-8 महीने में पे हो गया, तो इसलिए मैं एक साल के बाद मैं वहाँ से वापस आ गई। तो ये रीज़न था वहाँ से वापस आने का। तो अभी मैं फ़िलहाल अफ्रीका में जॉब नहीं करती हूँ, वहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। अब अफ्रीका से जॉब करने के बाद मैं आई पुणे में। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं पुणे कैसे पहुंची, तो पुणे में नहीं, मतलब पुणे से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे हो गए हैं 7-8 साल IT इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो इतने सालों में मैंने बहुत सारे शहरों में जॉब करी है, जैसे दिल्ली, नोएडा में, चेन्नई में, बैंगलोर में, एंड देन उसके बाद मैंने पुणे में जॉब करी है, राइट? तो अभी रिसेंटली मेरी पुणे में जॉब है, वहाँ पे जॉब कर रही थी मैं। और अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, पुणे से सामान सारा शिफ्ट कर लिया हिमाचल में। तो लोग सोच रहे हैं कि मैंने क्या जॉब छोड़ दी है या फिर मतलब मैं परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी जॉब पुणे में ही है, लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही है कोविड सिचुएशन, तो ऐसे में क्या था, मैं पिछले 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और वहाँ पर मेरा रेंट में फ्लैट था, रेंटेड फ्लैट था, जिसका मैं फिजूल में रेंट अपना पे करे जा रही थी 16,000। मतलब 16,000 कम नहीं होते यार, बहुत ज़्यादा होते हैं 16,000। तो मैं हर महीने वहाँ पर 16,000 फिजूल में पे कर रही थी और मुझे बहुत दुख लग रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वो फ्लैट खाली कर दिया और अपना सारा का सारा जो मेरा फर्नीचर था, सामान था, वो पूरा शिफ्ट कर लिया। जी हाँ, मैं अकेले रहती थी वहाँ पर, तो इसलिए पूरा रेंट मुझे अकेले को ही पे करना पड़ता था और मेरा पूरा वहाँ पर फर्नीचर था जो कि मैंने अभी ट्रांसपोर्ट करवा लिया है हिमाचल में। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए शिफ्ट हो गई हूँ हिमाचल में, जब तक कि सिचुएशन सारी नॉर्मल नहीं होती है और ऑफिस स्टार्ट नहीं होते हैं। तब तक जब ऑफिस स्टार्ट होंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तब तक फिलहाल मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ। और जी हाँ, मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, मैंने अभी भी जॉब
करती हूँ और अभी मेरा कोई फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है मेरा जॉब छोड़ने का अनटिनलेस मैं यूट्यूब में सक्सेस ना कर जाऊँ या फिर मेरा कोई कोई बिजनेस ना स्टार्ट हो जाए, तो मैं तब तक तो ये स्टेप नहीं लूँगी क्विट करने का, अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है। तो आप घबराइए मत, अभी भी मेरे पास जॉब है और कोई मेरा प्लान नहीं है उसको क्विट करने का। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि मैंने सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर लिया और मैंने पिछले उस ब्लॉग में बोला था कि मैं इस सामान को वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी शादी होगी, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे कि मेरी क्या शादी होने वाली है और बहुत सारी अफवाहें भी ऐसी फैल रही थी कि शिवानी की शादी हिमाचल वाली की शादी होने वाली है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, कोई अभी फिलहाल शादी नहीं हो रही। वो तो मैंने ऐसे ही बोला कि मतलब चाहे आज हो कल हो या फिर एक साल दो साल बाद, जब मर्जी हो, मतलब शादी तो होनी है ना, तो मैंने कहने का मतलब था कि जब मर्जी हो तो मैं जहाँ भी जाऊँगी तो मैं उस फर्नीचर को साथ में लेके जाना चाहूँगी। तो क्योंकि वो फर्नीचर मैंने बहुत दिल से खरीदा है, सारा सामान बहुत दिल से खरीदा है और मैं चाहती हूँ मैं जहाँ जाऊँ उसको मैं साथ में लेकर के जाऊँ। लेकिन आप किसी अफवाहों पे विश्वास मत करना, जब भी मेरी ऐसे कुछ शादी वादी होने का कोई प्लान होगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगी। तो अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अच्छा अफ्रीका से आई है, मतलब उन्होंने वो रवि के चैनल पे व्लॉग देखा होगा शी केम फ्रॉम अफ्रीका और वहां से आकर के वो डायरेक्ट मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, हिमाचल के फैमिली व्लॉग्स देख रहे हैं, तो उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये तो अफ्रीका से आई थी, ये क्या इसका यहाँ पर चल रहा है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अफ्रीका से क्या व्लॉग्स नहीं है आपके, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अफ्रीका से जब मैं इंडिया वापस आ गई थी उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करती थी, कोई यूट्यूबर नहीं थी, तो इसलिए मेरे पास वहाँ के कोई व्लॉग्स नहीं है। आई जस्ट विश कि उस टाइम पे मेरा चैनल होता और मैं वहाँ पर भी व्लॉगिंग कर रही होती और मेरे पास मेमोरीज होती वो सब चीज़ें, आई जस्ट विश, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और ये रीज़न है कि मेरे व्लॉग्स वहाँ से नहीं है। तो आई होप मैंने आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है सारी दूर कर दी होगी, आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि ये कहाँ अफ्रीका, कहाँ पुणे, कहाँ हिमाचल, मतलब कहाँ से मैं कहाँ कैसे पहुँची। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दिए हैं। अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो हम फिर कभी Q&A वीडियो करेंगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डालूंगी, तो आप वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप पूछ लेना, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अच्छे से जानो और अच्छे से पहचानो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई हो और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, और पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आज जो जो नाना जी के साथ खेल रहा है, पकड़ो के दिखाओ ले भाई। ओ, पकड़ लिया, जो जीत गया।